नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य सिंचे प्रति संबंधी दोस्तों सारी अपडेट आपके लिए लाता रहता हूँ पल भर की, जिसके अंदर दोस्तों हमारे सिंचे साथियों के लिए आज की जो बड़ी अपडेट निकल कर है, जिसके अंदर दोस्तों किरोड़ी लाल मीणा ने अपना फैसला सुना दिया है, जिसके अंदर दोस्तों अब जल्दी संविदा में शामिल किया जाएगा और दोस्तों अब इनको स्थायी पदों पर जो नौकरी की जल्दी ही घोषणा की जाएगी। तो दोस्तों जल्दी हमारे सिंचे साथियों के लिए बजट पास होने वाला है, उसकी और आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को कम्प्लीट वॉच करा करो ताकि आप तक जो पूरी अपडेट पहुँचती रहे और कहीं भी स्किप करके ना देखा करो। और दोस्तों चैनल पर हमारे पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल हमारे वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तो पहुँचते रहे और आप हमारे किसी भी जो वीडियो से वंचित ना रह पाए। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलेंगे अब अपडेट की ओर, कि क्या अपडेट निकल कर रहे हमारे सिंचे साथी के लिए और क्या अपडेट लाए किरोड़ी लाल मीणा जी। इसके अंदर दोस्तों जगतपुरा जयपुर में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी का जनसंपर्क, बेरोजगारों का अपार समर्थन। तो दोस्तों जिसके अंदर बेरोजगारों ने बहुत से बेरोजगारों ने दोस्तों हाथ से हाथ धरे बैठे हुए घर पे और दोस्तों उनके एप्लीकेशन नहीं सुन रही, जिसके अंदर टूटती पीट बिखरती सरकार पिदसा सींचे युवा बेरोजगार पेपर लीक सरकार वीक, फिर भी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं सरकार रिपीट। अगर सींचे की नौकरी बहाल नहीं हुई तो सपना केवल सपना ही बनकर रह जाएगा। तो दोस्तों सही बात बताई गई, जिसके अंदर दोस्तों अगर हमारे सींचे साथियों को नौकरी जो है स्थायी पदों पर नहीं दी गई तो दोस्तों ये इनका सपना अशोक गहलोत जी का ये सपना ही रह जाएगा मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि दूसरी बार रिपीट सरकार नहीं होने वाली। जिसके अंदर दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की ओर बात कर लेते हैं, बेरोजगार आक्रोश यात्रा, जिसके अंदर विधानसभा घेराव दौसा से जयपुर कुछ महाआंदोलन, जिसके अंदर दोस्तों ये महाआंदोलन हो रहा है जल्दी जारी, जिसके बारे में बात करेंगे। सींचे की नौकरी बहाल करने की बड़ी अपडेट आई, जिसके अंदर दोस्तों ये 24 तारीख से हो रहा है शायद स्टार्ट दोस्तों आपका ये महाआंदोलन, जिसके अंदर दोस्तों हमारे सींचे साथी सभी सींचे साथी इसके अंदर भाग लेने वाले और दोस्तों जमकर विरोध करने वाले, जिसके अंदर दोस्तों संविदा के नाम पर राजस्थान सरकार युवाओं के साथ स्थायी बेरोजगार रोजगार नहीं देकर फिर एक बहुत बड़ा धोखा और मजाक करने जा रही है। क्या अशोक गहलोत सरकार सींचे की तरह इस टीचर्स के भविष्य के साथ भी ऐसा ही खिलवाड़ करेगी और जब चाहा रखा और जब चाहा छोड़ दिया। तो दोस्तों ऐसा हमारे सींचे साथियों के लिए नहीं होना चाहिए। दोस्तों हमारे हमारे नर्सिंग क्लासेस यूजर्स इनके लिए तो कहो गया है और टीचर्स के लिए इसका नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे किसी भी साथी के गण के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके अंदर दोस्तों ये आप अपडेट देख सकते हो। जिसके अंदर दोस्तों विज्ञापन संख्या आपको यहाँ दी गई है, वो पूरी आप पढ़ सकते हो, जिसके अंदर सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय संविदा भर्ती, जिसके अंदर दोस्तों 2023 के अंदर ये विज्ञप्ति जारी कर दी गई। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में राजस्थान कंट्रोलर्स हेरिंग टू, जिसके अंदर दोस्तों पोस्टिंग रेगुलर्स 2022 के अंदर दोस्तों प्रावधान किया गया था, जिसके अंदर दोस्तों ये भर्ती जो है जल्दी निकाली जाएगी। तो दोस्तों अब हमारी सींचे साथी को जल्दी जो है संविदा में शामिल करना पड़ेगा, अगर संविदा में शामिल नहीं किया गया तो दोस्तों आगे आने वाले वोटों में सरकार को पूरी तरह पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट, अगर अपडेट अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आप हमारे किसी भी जो है वीडियो से वंचित ना रह पाएँ। तो दोस्तों ऐसी सींचे की पूरी अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे, तो दोस्तों क्योंकि हमारे सींचे साथियों के लिए आगे मुकाम है उसको दे दिलाकर रहेंगे। तो दोस्तों अब मिलेंगे कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।